बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्टेब्रल कॉलम। आज हम वर्टेब्रल कॉलम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वर्टेब्रल कॉलम का दूसरा नाम है बैकबोन और इसका तीसरा नाम है स्पाइन। तो इसके कितने नाम हो गए? थ्री नेम्स है इसके। तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, और इसका जो डिसेबिलिटी है वो पढ़ेंगे, इसके कर्वेचर पढ़ेंगे, इसके वर्टिब्रा पढ़ेंगे, और इसके जो है जॉइंट्स पढ़ेंगे। ये आज हम इस क्लास में डिटेल के साथ कवर करेंगे। हमारे साथ है वर्टेब्रल कॉलम आर बैकबोन आर स्पाइन। इसके कितने नाम है? थ्री नेम्स है, ठीक है ना। ये है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन आर स्पाइन, ठीक है ना। इसका लेंथ कितना है? अगर मैं देखूं तो इसका लेंथ कितना है? 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। यहाँ पर देखिए, इसका जो है 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे साथ जो वर्टेब्रल कॉलम है या स्पाइन है या बैकबोन है, ये हमारे साथ राड की शेप में है। राड जानते हो ना, ये राड, ये एक राड की तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक राड की तरह है। फिर इसमें हमारे साथ जो है कर्वेचर है, हमारे साथ कर्वेचर है। एक हमारे साथ लार्डोसिस है, दूसरा काइपोसिस है, और फिर लार्डोसिस है। कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं राड की बात कर रहा था। ये हमारे साथ एक राड की शक्ल में है, लेकिन ये राड स्ट्रेट नहीं है। ये राड जो है एस शेप का है। सामने से आप लोगों को ये स्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसका फ्रंटल व्यू है। अगर आप सेजिटल व्यू में देखें तो ये इस तरह, ये लार्डोसिस है, ये काइपोसिस है, और फिर ये लार्डोसिस है। तो आपको साइड से ये किस तरह नजर आएगा? एस शेप में आएगा। और फ्रंट से आपको किस तरह नजर आएगा? स्ट्रेट नजर आएगा। फ्रंट से आपको किस तरह नजर आएगा? स्ट्रेट नजर आएगा। और साइड से आपको एस शेप में नजर आएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे साथ वर्टिब्री कितनी है और बोन्स कितने हैं। तो इसका लेंथ मैंने बता दिया कि 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और इसमें वर्टिब्री हमारे साथ 33 वर्टिब्री है। कितने हैं? 33 वर्टिब्री। यहाँ पर देखिए, वर्टिब्रा और वर्टिब्री, वर्टिब्री वर्टिब्रा है, और सिंगुलर को हम क्या कहते हैं? एक वर्टिब्रा को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्री। ये सिंगुलर है, और फ्लूर क्या है? वर्टिब्रा है, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, और ये एक, इसको वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम क्यों कहा गया है? कॉलम इसको कहते हैं कि एक चीज के ऊपर दूसरा चीज आ जाए, इसको ये एक कॉलम बनाता है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कहाँ से निकला है? हमारे साथ एक वर्टिब्रेट्स है और दूसरा जो है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट आर दोज ऑर्गेनिज्म आर दोज एनिमल व्हिच हैव बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एंड इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म आर दोज एनिमल व्हिच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं हम? ह्यूमन है, हॉर्स है, डंकी है, या कौ है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होते हैं, तो उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और स्नेल हो गया, बटरफ्लाई हो गई, इसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता, तो वो क्या चीज है? इनवर्टेब्रेट्स। तो ये नाम कहाँ से आया है? वर्टेब्रा मीन ये, और ये वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट है, तो ये एक क्या चीज बनाता है? कॉलम बनाता है। तो इसका नाम है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। और ये हमारे बैक में है, ये हमारा बैक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? बैक बोन। कौन सा क्या नाम है? बैक बोन। और तीसरा इसका नाम है स्पाइन। क्या चीज है? स्पाइन, क्योंकि इसके दरमियान यहाँ पर ये लो आपको नजर आ रहा है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड किस चीज के अंदर है? वर्टेब्रल कॉलम, बैक बोन और स्पाइन, स्पाइन के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइन। तो ये तीन नाम जो है, इसका डिटेल आपको समझ में आ गई। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ वर्टिब्री कितने हैं। वर्टिब्री मीन सिंगुलर, 33 वर्टिब्री है। सर्वाइकल हमारे साथ 7 है। सर्वाइकल कितने हैं? 7। ये सर्विक्स, सर्वाइकल, सर्वाइकल हमारे साथ, ये है सर्वाइकल, सर
सर्वाइकल, सर्वाइकल किस चीज से निकला है? सर्वेक्स से निकला है। किस से निकला है? सर्वेक्स। और सर्वेक्स का मतलब क्या है? नेक। या सर्वेक्स का मतलब क्या है? ट्यूब। क्या चीज है? ट्यूब। क्योंकि ये सर्वाइकल है, यहां पर देखिए ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये किसका वर्टिब्रा है? नेक का वर्टिब्रा है। और ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, क्योंकि ये किस चीज को कनेक्ट करता है? आपके हेड और आपका ट्रंक किसके जरिए कनेक्ट है? सर्वाइकल या सर्विक्स के जरिए कनेक्ट है। तो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा और नेक के वर्टिब्रा, क्योंकि ये आपके हेड को और आपके ट्रंक को कनेक्ट करता है। यहाँ तक बात में समझ आए कि सर्वाइकल सर्विक्स से निकला है और सर्विक्स का मतलब क्या है? नेक। नेक आर ट्यूब जो के एक एरिया को दूसरी एरिया के साथ कनेक्ट करता है। सर्वाइकल हमारे साथ कितनी वर्टिब्री है? सेवन वर्टिब्री है। सर्वाइकल कितनी है? सेवन वर्टिब्री है, ठीक है ना? सेवन वर्टिब्री है। तो इसको हम नाम किस तरह देंगे? हम इस तरह नाम देंगे, एक है हमारे साथ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। C7 वर्टिब्री है। ये MCQs में आएगा कि फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। और दूसरे का नाम क्या है? एक्सिस। और तीसरे का C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है? ये इस तरह है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। इसके ऊपर हेड है। क्या चीज है? स्कल है। यहाँ पर आपका जो स्कल है इसके साथ अटैच है। कौन से वर्टिब्रा के साथ अटैच है? C1 के साथ अटैच है। C1 का दूसरा नाम क्या है? एटलस। के साथ ही आपका हेड जो है ये ऑक्सीपिट अटैच है। तो यहाँ पर ये एक जॉइंट बनाता है, ये है ऑक्सीपिट। क्या चीज है? ऑक्सीपिट। और ये हमारे साथ है एटलस। क्या चीज है? एटलस। तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? ये आप यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये है एटलस और ये है ऑक्सीपिट। तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है, ठीक है ना? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसमें हम वर्टिब्रा को फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे साथ जो ये वर्टिब्रा है, कितने वर्टिब्रा है? सेवन वर्टिब्रा है। ये एक वर्टिब्रा का शेप इस तरह होता है। ये मैंने एक वर्टिब्रा ड्रा किया इस तरह। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर एक ओपन होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरम। क्या? ट्रांसवर्सेरम, ठीक है? ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरम इसका नाम है, ठीक है? और फिर इसमें जो है, यहाँ पर जो है एक किनाल है, इसमें ही वर्टेब्रल कॉलम जो स्पाइनल कार्ड है ये इसके दरमियान, यहाँ पर ये हाल होते हैं, इसके दरमियान ये स्पाइनल कार्ड पास होता है, ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल, ये भी फोरामेन ट्रांसवर्सेरम है। और यहाँ पर इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल केनाल, या वर्टेब्रल किनार आर वर्टेब्रल फोरामेन इसको कहते हैं, ठीक है? फोरामेन कहते हैं, ठीक है? वर्टेब्रल किनार आर वर्टेब्रल फोरामेन इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ड्रा किया। ये दरमियान में जो छोटी छोटी सुराख है, ये एक साइड पे ये है या एक साइड पे ये है, तो इसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरम, और इसको कहते हैं वर्टेब्रल फोरामेन। ये वर्टेब्रा के दरमियान में है। तो इसमें क्या चीज पास होती है? इसमें इस तरह स्पाइनल कार्ड पास होती है, ठीक है? और इसमें क्या चीज पास होती है? इसमें हमारे साथ वर्टेब्रल आर्टरी पास होती है। क्या चीज पास होती है? आपका जो वर्टेब्रल आर्टरी है ये इसमें यहाँ पर पास होती है। और ये आपने याद रखना है, ये भी MCQs में आएगा कि ये फर्स्ट 6 वर्टिब्रा जो है उसमें ये पास होती है, 7th वन में पास नहीं होती। इस तरह ये कितने वर्टिब्रा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इसके साथ यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? ये ओपनिंग है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी जो कि कहाँ से आई है? सबक्लेवियन आर्टरी से आई है। यहाँ पर एक आर्टरी है, इसका क्या नाम है? सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकला है, इसका नाम है वर्टिब्रल आर्टरी। क्या नाम है? वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि C1 से लेकर C6 तक किस चीज के में पास होता है?
फोरामेन ट्रांसवर्स सेरम में ये पास होता है, इस तरह आता है ठीक है, और एक इस साइड से यहाँ पर पास होता है। जब ये आगे जाता है तो ये कंबाइन होता है, जब कंबाइन होता है ये एक दूसरा आर्टरी बनाता है, इसको हम कहते हैं बेजिलरी बेजिलरी आर्टरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमारे साथ सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वेक्स का मतलब है नेक। ये हमारे साथ सेवन वर्टेब्रा है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। फर्स्ट वन को कहते हैं एटलस और दूसरी को कहते हैं एक्सिस ठीक है। और फर्स्ट सिक्स वर्टेब्रा के साइड में एक ओपनिंग है, एक होल है, इसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्स सेरम। और इसमें कौन सा वर्टेब्रल कौन सी आर्टरी पास होती है, वर्टेब्रल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी हमारे साथ कितने हैं, दो है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड है। आपको इसमें नजर आएगा यहाँ पर देखिए, एक राइट साइड पे है ये वर्टेब्रल आर्टरी और दूसरा है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर कंबाइन होता है। यहाँ कौन सा आर्टरी बनाता है, बेसिलरी आर्टरी बनाती है ठीक है ना। और इसका जो फंक्शन है ये बाद में पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या चीज है। ये मैंने कौन सा आर्टरी बनाई है, वर्टेब्रा बनाई है, C1 वर्टेब्रा बनाई है, क्या चीज है, C1 और C2 इस तरह होता है। C2 किस तरह होता है, C2 वर्टेब्रा इस तरह होता है। एक्सिस कहाँ किस चीज से निकला है, एक्सिल से निकला है। एक्सिल आप लोग जानते हो जो कि गाड़ी है ना, गाड़ी के ऊपर ही में टायर में वो एक्सिल होता है जो कि वो इस तरह घूमता रोटेट होता है ठीक है ना। तो ये एक्सेल है, जब हम इस तरह मूवमेंट करते हैं यहाँ पर देखिए, ये इसके ऊपर अक्षपट है ठीक है। अक्षपट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक दो और ग्रोथ है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं ठीक है। तो हम जो इस तरह मूवमेंट करते हैं यस नो वाला या नो, इसको कहते हैं नोडिंग मूवमेंट। तो ये इस कॉन्डाइल के ऊपर होता है, जब हम इस तरह मूवमेंट करते हैं यहाँ पर देखिए ये वाला मूवमेंट इस तरह नजर आए, जब हम इस तरह मूवमेंट करते हैं इस तरह, तो ये यहाँ पर इस ऑक्सीपिट और ये एटलस के दरमियान होता है ये मूवमेंट ठीक है। और जब हम ये रोटेशन करते हैं इस तरह, रोटेशन करते हैं इस तरह, तो ये वर्टेब्रा जो है C1 वर्टेब्रा जो है इस वर्टेब्रे के सरों ही घूमता है यहाँ पर मुझे जी। इसमें हमारे साथ C1 वर्टेब्रा कौन सा है, इसमें ओडोन्टाइट प्रोसेस होता है C1 वर्टेब्रा। यहाँ पर देखिए C1, ये वर्टेब्रा सिर्फ वाइट वर्टेब्रा है जो कि यहाँ पर इसमें, इसको हम कहते हैं डेंस ऑफ द वर्टेब्रा। इसको क्या कहते हैं, डेंस ऑफ द वर्टेब्रा। जब हैंगिंग होती है, जब कोई मुजरिम को सजा देती है और उसको लटकाता है, हैंग करता है, तो उसमें ये डेंस जो है ये टूट जाता है। हैंगिंग दौरान ये डेंस टूट जाता है, जब ये डेंस टूट जाता है तो इसके पीछे यहाँ पर क्या होता है, इसके पीछे यहाँ पर इस तरह क्या चीज होता है, ये क्या चीज है, ये स्पाइनल कार्ड है और ये वर्टेब्रा है। कौन सा वर्टेब्रा है, C2 का दूसरा नाम है एक्सिस है। जब हैंगिंग होती है या एक्सीडेंट होती है तो ये वर्टेब्रा हैंगिंग दौरान ये टूट जाता है, जब ये टूट जाता है तो इस पर प्रेशर आती है, जब प्रेशर आती है तो यहाँ से आपका कनेक्शन कट हो जाता है। जब आपका कनेक्शन कट हो जाए तो फिर आप ना ब्रीथिंग कर सकते हैं, ना आपका हार्ट बीटिंग हो सकती है, तो उसी टाइम आप लोग मर जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है ठीक है ना। फिर मैं तो बोल दिया फंक्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ये मैं आगे चला गया। अभी फंक्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम की बात आते है कि वर्टेब्रल कॉलम का फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन इसका ये है कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या चीज, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस चीज का प्रोवाइड करता है, स्पाइनल कार्ड को प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये आपको इरेक्ट रखता है, आपके बॉडी को क्या चीज रखता है, इरेक्ट रखता है ठीक है ना। तीसरा फंक्शन ये है कि ये आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि इसके दरमियान ये डिस्क होते हैं ठीक है ना। ये डिस्क इस तरह होते हैं, जब आप इस डिस्क का फंक्शन ये है कि आपको स्ट्रेंथ भी देता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर जानते हो, जब आप लोग जंप लगाते हो ठीक है, तो अगर ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती तो ये टूट जाती, लेकिन इसका जिस तरह गाड़ियों में वो स्प्रिंग होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी ये शॉक एब्जॉर्बर है। चौथा फंक्शन ये है कि ये आपके हेड का जो है वेट उठाता है, जो आपके हेड का जो वेट उठाता है ये कौन उठाता है, ये वर्टेब्रल कॉलम उठाता है ठीक है। ये आपके इस अपर लिम्ब को इस लोअर लिम्ब के साथ कौन कनेक्ट करता है,
वर्टेब्रल कॉलम ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये वर्टेब्रल कॉलम अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? आपके इस रिब्स को। ये रिब्स किसके साथ अटैच है? वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है। तो ये आपके बॉडी में वर्टेब्रा को अटैचमेंट पॉइंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये वर्टेब्रा को अटैचमेंट पॉइंट भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसमें मसल अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है? मसल अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। और 9th या 10th वन फंक्शन ये कि इसमें ये वर्टेब्रल आर्टरी भी पास होती है, ठीक है ना। इसमें वर्टेब्रल आर्टरी भी पास होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम इसी वर्टेब्रा की वजह से है मोबाइल है। मोबाइल मतलब है हम हरकत कर सकते हैं। अगर ये वर्टेब्रल कॉलम स्ट्रेट होता तो हम हरकत नहीं कर सकते। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इस शेप फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर देखिए हम जो हरकत करते हैं इस तरह बेंड होते हैं, इस तरह स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, इस तरह हम रोटेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन किस चीज़ की वजह से है? ये वर्टेब्रल कॉलम की वजह। अगर वर्टेब्रल कॉलम ना होता तो हम एक रॉड की तरह होते, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सर्वाइकल स्पाइन की। सर्वाइकल वर्टेब्रा की समझ आ गई कि ये हमारे साथ 7 है, ठीक है ना। सर्वाइकल वर्टेब्रा कितने हैं? 7 है। और बोन्स इसमें कितने हैं? 26। इसमें जो है बोन्स भी 7 है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 है, लेकिन इसमें डिस्क कितने हैं? 6 है। इसमें डिस्क कितने हैं? 6 है। क्योंकि ऊपर जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि ऊपर डिस्क नहीं होता। ऊपर ये फर्स्ट वर्टेब्रा जो है C1 वर्टेब्रा जो है इसके ऊपर डिस्क नहीं होता। तो इसके ऊपर डिस्क नहीं होता तो हम नीचे से गिनेंगे। तो ये 1 है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 के नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे साथ है वर्टेब्रा, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ सर्वाइकल में कितने डिस्क है? 6 है। और इस डिस्क का नाम है इंटर वर्टेब्रल डिस्क। क्या चीज है? इंटर वर्टेब्रल डिस्क। क्योंकि ये एक वर्टेब्रा है और ये दूसरा वर्टेब्रा है। इसके दरमियान यहाँ पर क्या चीज होती है? इस तरह डिस्क होता है। क्या चीज होता है? डिस्क। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क होता है। इसका फंक्शन शॉक एब्जॉर्बर है। इसको कहते हैं IVD। क्या चीज? IVD। एंटर मीन दरमियान में। क्या चीज है? दरमियान में। एंटर वर्टेब्रा, एक वर्टेब्रा ये है, दूसरा वर्टेब्रा ये। एंटर वर्टेब्रा मीन की वर्टेब्रा के दरमियान में, और ये डी मीन डिस्क, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम पढ़ते हैं थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन में हमारे साथ 12 वर्टेब्रा है और 12 बोन है, ठीक है ना। थोरेसिक का दूसरा नाम क्या है? ये हमारे साथ है थोरेसिक स्पाइन। क्या चीज? थोरेसिक वर्टेब्रा। थोरेसिक वर्टेब्रा, इसका दूसरा नाम है डॉर्सल। डॉर्सल ये हम T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या D1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे साथ कितने हैं? T12 से या R D 12 है, ठीक है ना। ये हमारे साथ 12 वर्टेब्रा है, ठीक है ना। ये वर्टेब्रा का फंक्शन ये है कि इसके साथ क्या चीज अटैच है? इसके साथ हमारे साथ रिब्स अटैच है। क्या अटैच है? इसके साथ कुछ भी नहीं अटैच। इसके साथ हमारे सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है ना। तो ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है। थोरेसिक के साथ इस सर्वाइकल सेल के साथ क्या कुछ भी नहीं अटैच, कोई चीज भी नहीं अटैच। इस थोरेसिक के साथ हमारे साथ कितने वर्टेब्रा अटैच है? कितने रिब्स उसके साथ अटैच है? 12। इसके साथ 12 रिब्स अटैच है, ठीक है। ये इस तरह है। लेकिन आप लोगों ने ये पीछे जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये इसका जो है स्पाइनस प्रोसेस है। इसके साथ रिब्स अटैच है, इस तरह रिब्स आए हैं। और फिर आगे यहाँ पर एक और चीज है। क्या चीज है?
स्टर्नम, इसको क्या कहते हैं स्टर्नम, आगे स्टर्नम के साथ ये रिब्स अटैच है और पीछे किसके साथ अटैच है, वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है, पीछे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है, आगे रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच है। स्टर्नम के कितने पार्ट्स हैं, स्टर्नम के 3 पार्ट्स है, इसको हम कहते हैं मेनुप्रियम, इसको कहते हैं बाइट और इस बॉडी और इसको कहते हैं जिपाइट प्रोसेस। हमारे साथ वर्टेब्रा रिब्स कितने हैं, 12 है, इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट 7 वर्टेब्रा को क्या कहते हैं, ट्रू वर्टेब्रा। फर्स्ट 7 वर्टेब्रा जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसको फर्स्ट रिब्स जो है 7, फर्स्ट 7 जो है फर्स्ट से लेकर 7, ये हमारे साथ है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इसको क्यों कहते हैं, ट्रू रिब्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आए हैं और डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ अटैच है। इसके बाद हमारे साथ आते हैं 3 पियर्स, ये 7 पियर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7 पियर्स है और टोटल कितने हैं 14। अभी हमारे साथ जो फाल्स रिब्स है, फाल्स हमारे साथ 3 पियर्स है और कितने हैं 6, टोटल 6 है। तो इसको फाल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक, यहाँ पर देखिए ये 7 तक डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, लेकिन ये 8 9 10 ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये किसके साथ अटैच है, इस 7 पॉन के साथ अटैच है, तो इसका नाम है फाल्स रिब्स। फिर हमारे साथ 2 है, 2 पेयर्स है, टोटल कितने हैं 4 है, इसको हम क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है, यहाँ पर देखिए ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ रिब्स अटैच है और ये क्या चीज बनाता है, थोरेसिक केज बनाता है। थोरेसिक केज में क्या किस कौन सी चीज की प्रोडक्शन होती है, हार्ट की होती है, लंग्स की होती है, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद जाते हैं किस चीज की तरफ, लंबर की तरफ जाते हैं, लंबर हमारे साथ कितने वर्टिब्रा हैं 5, ये सबसे बड़े मोटे वर्टिब्रे हैं, ठीक है ना। लंबर हमारे साथ कितने हैं, लंबर वर्टिब्रा, और इसको हम वर्टिब्रा, और इसको हम बैक के वर्टिब्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ पर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होते हैं, तो इसको हम लंबर वर्टिब्रा और बैक के वर्टिब्रा कहते हैं। ये हमारे साथ कितने हैं, L1 से लेकर L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, थोरेसिक जो है हम T से रिप्रेजेंट कर रहा था, सर्वाइकल हम C से रिप्रेजेंट, और लंबर हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये L1 से लेकर L5 तक है, 5 वर्टेब्रा है, ठीक है, और इसमें जो है 5 बोन्स है, और इसमें कितने डिस्क है, 5 डिस्क है, और थोरेसिक में हमारे साथ कितने डिस्क थे, 12 डिस्क थे, ठीक है ना। अभी लंबर वर्टेब्रा की बात करें तो ये लंबर L1 L2 L3 L4 L5 ये सबसे स्ट्रांगेस्ट और मोटे वर्टेब्रे है, ठीक है ना, कि यहाँ पर देखिए ये सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल छोटे है, और लेकिन ये लंबर जो है ये सबसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का अगर ये 2 kg हो गया, और यहाँ पर कितने kg आते हैं, अगर ये 30 kg हो गया, तो ये 30 kg का वजन कहाँ पर आती है, इस पे आती है, यहाँ पर 1 kg है, तो इसके लिए ये छोटे है। आप लोगों ने ये याद रखना है, जब वर्टेब्रा छोटा है, छोटी है, तो वो मोबाइल है, जितनी छोटी होंगे, छोटी छोटी होंगी उस पर हरकत ज़्यादा होगी, और जितनी बड़ी मोटी होंगी तो उस पर हरकत कम होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ बेंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इस साइड रोटेट हो सकता हूँ, इस साइड रोटेट हो सकता है, इस तरह हो सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, तो ये सबसे मोबाइल एरिया कौन सा है, सर्वाइकल है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद लंबर है, लंबर पे भी मोन होते हैं, लेकिन लंबर पे सबसे ज्यादा वेट आता है, तो इसलिए ये मोटे है। यहाँ पर देखिए ये सबसे, मुझे दे दे, यहाँ पर इस वर्टेब्रा को देखिए ये कितना छोटा है, ये वर्टेब्रा देखो, इसको देखो, ये भी एक वर्टेब्रा है और ये भी वर्टेब्रा है, तो इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ सर्वाइकल है और ये लंबर है, क्योंकि इस पे मूवमेंट ज्यादा होती है और इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वेट ज्यादा बर्दाश्त करता है और इस पे स्टेबिलिटी इतना नहीं है, ठीक है ना। लंबर की बात करें, लंबर वर्टेब्रा L1 L2 L3 L4 L5 है, ठीक है, ये लंबर रीजन में है, ठीक है। फिर इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि लंबर वर्टेब्रा में हमारे साथ, अगर मैं इसकी एनाटॉमी आप लोगों को बताऊं, तो इसकी एनाटॉमी इस तरह है, इस वर्टेब्रा की एनाटॉमी इस तरह है, यहाँ पर देखिए
आपकी इस तरह है, ठीक है। इसको कहते हैं बाड़ी, क्या चीज बाड़ी, इसको कहते हैं बाड़ी ऑफ द वर्टेब्रा, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल फोरामेन, यहाँ पर एक हॉल होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल फोरामेन, वर्टेब्रल फोरामेन हॉल को कहते हैं। इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, क्या चीज स्पाइनस प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं लेमिना, क्या चीज लेमिना, और इसमें फीडिसल भी होते हैं, जिफी जाइंट भी होते हैं। ये सारा डिटेल हम बाद में एक वर्टिब्रे की डिटेल हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये मैं जनरली आप लोगों को बताना हो, यहाँ पर देखिए ये वर्टिब्रा है, ठीक है। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, क्या चीज़ बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, इसके ऊपर डिस्क होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा, जो कि नीचे पीछे एक है, ठीक है। ये जो पीछे है इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और साइड पे जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसमें फिर हमारे साथ पीडिसल है, लेमिना है, ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं सेक्रम की तरफ, सेक्रम में हमारे साथ कितनी वर्टिब्रा हैं, बोन्स कितने हैं और वर्टिब्रा कितने हैं, सेक्रम में हमारे साथ सेक्रम सेक्रल, ठीक है, सेक्रम सेक्रल, इसमें हमारे साथ वर्टिब्री जो है वर्टिब्री फाइव है, बोन्स कितने हैं इसमें वन है, क्योंकि ये क्या चीज है फ्यूज है, ये क्या चीज है फ्यूज है, ठीक है ना। और इसका शेप इस तरह है, अगर मैं ए1 टू सर्वाइकल ये वर्टिब्रा है तो ये हमारे साथ इस तरह इसका शेप है, ठीक है। वन वर्टिब्रा, टू थ्री फोर और फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये इस तरह इसके साथ ऊपर लंबर वर्टिब्रा है, ये इस तरह है। ये इसका फंक्शन ये है कि ये आपके इस यहाँ पर देखें, ये आपके इस अपर लिम अपर स्ट्रक्चर को लोअर स्ट्रक्चर के साथ किसके जरिए कनेक्ट है, सेक्रम के साथ कनेक्ट है। ये आपका अपर लिम और लोअर लिम कनेक्ट करता है, ये सेक्रम के साथ कनेक्ट है। इसमें यहाँ पर देखिए ये फ्यूज बोन है, इसमें वर्टिब्रा है वन टू थ्री फोर फाइव वर्टिब्री है, लेकिन फ्यूज हो गई है तो इस कितने बोन बनाते हैं, वन बोन बनाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि ये आपका इस स्पाइन को स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम को लोअर लिम के साथ कौन कनेक्ट करता है, सेक्रम कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये सेक्रम कनेक्ट करता है, और ये सेक्रम जो है ये जॉइंट बनाता है इस इलियम के साथ, ये हमारे साथ हिप बोन है, एक हिप बोन ये है, एक हिप बोन है, कंबाइन को पिल्विस कहते हैं। ये थ्री बोन से बने हैं, कितने बोन से बने हैं, थ्री बोन से बने हैं, एक साइड पे भी थ्री है, दूसरी साइड पे भी थ्री है। इसको हम कहते हैं इलियम, इसको हम कहते हैं इशियम, और इसको हम कहते हैं प्यूबस, ये प्यूबस है, ये इशियम है, और ये इलियम है। तो ये सेक्रम इस किसके साथ कनेक्ट होता है, इलियम के साथ, ये सेक्रम किसके साथ कनेक्ट होता है, इलियम के साथ। और जब ये जॉइंट बनाता है तो इसको कौन सा जॉइंट कहते हैं, सेक्रो इलियक जॉइंट, कौन सा जॉइंट, सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रो इलियक जॉइंट। और ये आगे इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबस, ये क्या चीज है सिम्फिसिस प्यूबस, और उसमें ये कार्टिलेज है। तो जब डिलीवरी होती है तो इसमें ये इसमें गैप आ जाती है, ये कार्टिलेज जो है ये डिलीवरी के दौरान इसमें इस तरह ये गैप आ जाती है, तो ये डिलीवरी होती है। तो ये सेक्रम जो है डिलीवरी में भी हेल्प करता है, और ये सिम्फिसिस प्यूबस पर सेपरेट होता है, ठीक है ना। और ये इसके साथ जॉइंट बनाता है, सेक्रम हमारे साथ फाइव वर्टेब्रा है, और बोन्स कितने हैं, वन है। लास्ट में हमारे साथ है कॉक्सेक कॉक्सीजियल, ठीक है ना, कॉक्सेक कॉक्सीजियल, लास्ट में हमारे साथ है कॉक्सेक कॉक्सीजियल, कॉक्सेक सीओसीवाई कॉक्सेक आर कॉक्सीजियल, कॉक्सेक और कॉक्सीजियल। तीसरा नाम इसका क्या है, टेल बोन, क्या चीज, टेल बोन, और टेल बोन ये रुडिमेंट्री बोन है, रुडिमेंट्री बोन उसको कहते हैं कि इसका फास्ट एंशियंट टाइम में इसका कोई फंक्शन था, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है टेल बोन का, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं टेल बोन। कॉक्सिक में हमारे साथ कितने वर्टिब्रा है,
कॉक्सिक में हमारे साथ फोर वर्टिब्रा है, ठीक है, और हमारे साथ बोन्स कितने हैं? वन है, ठीक है ना, बोन्स वन है और वर्टिब्रे हमारे साथ कितने हैं? फोर। और ये कॉक्सिक जो है ये फ्यूज हो गए, इस तरह ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वन टू थ्री और फोर, इस तरह ये फ्यूज हुई है और ये कॉक्सिक बनाता है यहाँ पर, ये कॉक्सिक वर्टिब्रा है, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, ये यहाँ तक है, ये कॉक्सिक है, ठीक है ना, इसका फंक्शन कोई खास फंक्शन नहीं है और ये फ्यूज हो गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन स्पाइन को पढ़ा, इसमें हमारे साथ 70 सेंटीमीटर है, वर्टिब्री हमारे साथ 33 है और बोन्स हमारे साथ 26 है और फिर डिस्क हमारे साथ कितने हैं? 23 है। सर्वाइकल में अगर हम काउंट करें तो सर्वाइकल में हमारे साथ सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है और सेक्रल हमारे साथ 5 है और कॉक्सिक 4 है। अगर बोन्स की मैं काउंट करूं तो बोन हमारे साथ सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सेक्रम 1 है और कॉक्सिक 1 है। और डिस्क की अगर मैं बात करूं, डिस्क हमारे साथ सर्वाइकल में 6 है, थोरेसिक में 12 है, लंबर में 5 है, तो ये कितने हो गए? 23 डिस्क हो गए, ठीक है ना। अभी हम कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ लंबर में कर्वेचर कितने हैं? तो कर्वेचर हमारे साथ लंबर में 2 है, प्राइमरी हमारे साथ 2 है और सेकेंडरी हमारे साथ 2 है, ठीक है। कर्वेचर अगर मैं आपको बता दूं कर्वेचर क्या चीज है, कर्वेचर इसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए कर्वेचर, ये सामने से आपको किस तरह नजर आ रहा है? स्ट्रेट नजर आ रहा है, लेकिन साइड से आपको किस तरह नजर आ रहा है? एस शेप नजर आ रहा है। जब एक हमारे साथ कर्वेचर जो है कर्व को कहते हैं, कर्व हमारे साथ दो है, एक ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है तो वो किस तरह होता है वो बच्चा? इस तरह झुक, इस तरह उसके हाथ इस तरह होते हैं और पांव इस तरह होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो किस तरह होता है? इस तरह होता है, ठीक है ना, क्योंकि मदर के जो वोम में जो है वो इस तरह पड़ा होता है, ठीक है ना, तो इस तरह होता है। तो ये हमारा स्पाइन जो है फर्स्ट वन ईयर तक या फर्स्ट सिक्स मंथ तक ये कौन सा शेप में है? सी शेप में है। क्या चीज है? सी शेप। फिर इसके बाद जब वो क्रॉलिंग सीख जाता है तो फिर इसके बाद वो हेड को उठाता है, तो एक कर्वेचर ही डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं काइपोसिस, डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको लाइडोसिस। जब वो चलना सीखता है तो फिर वो इस तरह हो जाता है, ठीक है, जब वो चलना सीखता है, वॉकिंग करता है तो इसमें ये कर्व डेवलप होता है, और जब क्रॉलिंग करता है तो ये कर्व डेवलप होता है, तो फिर एडल्ट में स्पाइन किस तरह होता है? इस तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ है प्राइमरी कर्व, उसको कहते हैं कि डिलीवरी से पहले बेबी जब मदर के वोम में होता है तो उसमें ये बेबी है, ठीक है ना, ये इस तरह होता है, इसके हाथ इस तरह होते हैं और पांव भी इस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये कर्व है, यहाँ पर देखिए वो कर्व ये इस तरह है, तो इसको हम कहते हैं काइपोसिस। अभी हम पढ़ेंगे कि काइपोसिस क्या चीज है और लार्डोसिस क्या चीज है। काइपोसिस इसको कहते हैं, एक हमारे साथ है काइपोसिस, लार्डोसिस और स्कोलियोसिस। काइपोसिस इस तरह है, जब ये एक बेबी है या ये एक आदमी है, ठीक है, जब ये इस तरह, जब इसका जो थोरेसिक है ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है और ये सेक्रम है। जब काइपोसिस क्या चीज है, जब एंटीरियर साइड है, ये इस तरफ देख रहा है, ये एंटीरियर साइड है और ये हमारे साथ पोस्टीरियर साइड है। जब एंटीरियर से ये क्या चीज है, जब एंटीरियर से एक चीज कनकेव हो और पोस्टीरियर से क्या चीज हो, कन्वेक्स हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइपोसिस। क्या चीज की? काइपोसिस। जब इस तरह हो, ठीक है, आगे से ये कनकेव हो और पीछे से ये क्या चीज हो, कन्वेक्स हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइपोसिस। यहाँ पर देखिए ये थोरेसिक जो है ये काइपोसिस है, ये सामने देख रहा है साइड से, ये काइपोसिस लार्डोसिस हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है, ये आगे से कनकेव है और पीछे से कन्वेक्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइपोसिस। ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है,
क्योंकि ये अगर मैं के लिखूं, के इस तरह लिखी जा सकती है ना? यस सर। जब के इस तरह लिखी जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? काइपोसिस। हमारे साथ काइपोसिस जब बेबी पैदा होता है तो वो सारा काइपोसिस काइपोटिक कर्व होता है, क्योंकि ये सी शेप होता है। जब बेबी पैदा होता है तो वो कौन सा सारा सारा क्या चीज होता है? सी शेप। और ये सी शेप को ये क्या चीज बनाता है? इस तरह के बनाता है, ये काइपोसिस है। ठीक है, फिर इसके इसमें लाइटोसिस डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये काइपोसिस हमारे साथ दो एरिया में होती है। एक यहाँ पर होती है, ये कौन सा रीजन है? थोरेसिक। फिर इसके बाद ये लंबर है, और फिर हमारे साथ है सेक्रम। ये सेक्रम आगे से क्या चीज है? कन्वेक्स और कंकेव क्या चीज है? यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ है यूनिकन्वेक्स, ठीक है, ये हमारे साथ है बाइकन्वेक्स, ठीक है, ये हमारे साथ है यूनिकन्केव, ठीक है, ये जो और ये हमारे साथ है बाइकन्केव। कन्केव चीज क्या चीज? कन्केव। क्यों क्या किसको कहते हैं? हार को कहते हैं। जब इस तरह एक शिकल हो, ठीक है, इस तरह एक शिकल हो तो इसमें जो ये अंदर की तरफ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्केव। तो हमारे साथ स्पाइन में फोर कर्व है, टू लार्डोसिस और टू काइपोसिस है, ठीक है ना। यहाँ पर देखे तो काइपोसिस में हमारे साथ एक कौन सा एरिया आता है? थोरेसिक आता है। ये कौन सा एरिया है? थोरेसिक। और दूसरा एरिया हमारे साथ काइपोटिक कर्व कौन सा है? ये है सेक्रम है, ये भी काइपोसिस है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ लार्डोसिस है। लार्डोसिस क्या चीज है? लार्डोसिस उसको कहते हैं जो कि आगे से ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, आगे से क्या चीज हो? कन्वेक्स हो। आगे से कन्वेक्स हो और पीछे से क्या चीज हो? कॉनकेव हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? लार्डोसिस। लार्डोसिस हम इस तरह लिखते हैं ना, तो इसका हो करे तो ये इस तरह निकला है, ठीक है, आगे निकला है, तो ये लार्डोसिस हो गया, लार्डोसिस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? लार्डोसिस। लार्डोसिस लार्डोसिस हमारे साथ कितने कर्व है? टू है। एक हमारे साथ तो सर्वाइकल जो है, ये लार्डोसिस है सर्वाइकल, और दूसरा हमारे साथ है लंबर, ये लार्डोसिस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि लार्डोसिस क्या चीज है और काइपोसिस क्या चीज है? हमारे साथ ये हमारे साथ यहाँ पर देखिए, ये जब बच्चा पैदा होता है तो वो सारा सी शेप होता है, और जब सी शेप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जो कि आगे से कनकेव हो और पीछे से कन्वेक्स हो, आगे से कनकेव हो पीछे से कन्वेक्स हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइपोसिस या सी शेप। फिर जब कुछ टाइम गुजरने के बाद ये क्रॉलिंग सीखता है, जब क्रॉलिंग सीखता है तो इसका ये हेड पीछे आता है, क्योंकि ये हेड को इस तरह उठाता है, ठीक है। जब हेड को उठाता है तो ये आगे से क्या हो गया? कन्वेक्स हो गया, और पीछे से क्या हो गया? कनकेव हो। तो ये कौन सा कर्व बनाता है? लार्डोसिस। ये काइपोसिस थोरेसिक अपनी जगह पर होता है। जब वो वॉकिंग चलना सीखता है तो उसका वो लंबर इस तरह आ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा कर्व फिर बनाता है? आगे से क्या चीज है? कन्वेक्स से पीछे से कनकेव होते हुए लार्डोसिस बनाता है। और फिर ये देखो, ये हमारे साथ है काइपोसिस। काइपोसिस इस तरह है, ठीक है, आगे से कनकेव है और पीछे से कन्वेक्स है। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में कितने कर्व है? टू है, टू लार्डोसिस है और टू काइपोसिस है। स्कोलियोसिस क्या चीज है? ये काइपोसिस और लार्डोसिस आपको सामने से नजर आएगा या साइड से नजर आएगा? ये साइड से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं काइपोसिस और लार्डोसिस। स्कोलियोसिस उसको कहते हैं कि एक बंदा सामने से है, लेकिन इसका स्कोलियोसिस का मतलब ये है कि इस स्कोलियोसिस इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब सामने से आप एक बंदे को देखते हो और वो उसका स्पाइन जो है मुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। यहाँ पर देखिए, अभी ये सामने से स्ट्रेट है, ठीक है, सामने से स्ट्रेट है, लेकिन साइड से ये लार्डोसिस और काइपोसिस है। जब ये सामने से स्ट्रेट है, अगर बाल लोग है वो इस तरह होते हैं, ठीक है, जब इस तरह होते हैं तो इसका स्पाइन इस तरह आ जाता है, ठीक है। जब वो इस शेप इस तरह बनाता है, जब सामने से आपको नजर आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। जब सामने से आपको स्पाइन इस शेप में नजर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये स्कोलियोसिस है, काइपोसिस है और लार्डोटिक कर्व है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
के पास है।